नमस्कार मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ एक पिज्ज़ा रेसिपी। डिफरेंट टाइप का पिज्ज़ा है ये, हम लोग रोटी से बनाए है। यह पिज्ज़ा सॉस मैंने ले लिया है, तो इसको हम एक चम्मच ले लिया है, तो रोटी पे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी टमाटर। घर पे जो भी सामान अवेलेबल है इसी से मैंने ये रेसिपी बनाया है। रोटी भी मेरा नॉर्मल आटा का ही रोटी है, तो हम थोड़ा हेल्दी खाने का मन किया तो आज ये डिश हमने बनाए है। फिर इसमें थोड़ा सा कैप्सिकम मैंने काट के रख दिया, फिर प्याज रख दिया, अभी अमूल चीज़ का मेरे पास स्प्रेड था स्लाइस, तो ये स्लाइस को मैंने काट करके यहाँ पे ऊपर ऐसे ही रख दिया। ये रेसिपी आप लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है, जो भी सामान अवेलेबल होता है उसी से ही काम चल जाता है। फिर इसके ऊपर हम वो पिज्ज़ा सॉस सीजनिंग था, तो पिज्ज़ा सीजनिंग हम यहाँ पे डाल दिया। मैं यहाँ पे पिज्ज़ा सॉसनिंग डाल रही हूँ और इसको हम ओवन में 30 सेकेंड्स के लिए हम इसमें हीट कर लेंगे। 30 सेकेंड होने वाला है। ये देखिए 30 सेकेंड में हम लोग सेट कर दिया। अभी 30 सेकेंड हो गया है, इसको हम बाहर निकल रहे हैं। देखिए चीज़ अच्छे से गल गया है बहुत। इसके ऊपर हम फिर से स्प्रिंकल छोड़ दिया है, अच्छा लगता है वो ओरिगैनो का फ्लेवर। ये बन के रेडी हो गया होममेड पिज्ज़ा।